वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यात्रा शुरू कर लगे हेमकुंड साहब की, तो राशन पानी रख लिया नाल। ये नवांशहर बाईपास से सानू दर्शन होए पैदल यात्रा श्री हेमकुंड साहब के। पिछले ब्लॉग में जिहड़ा अपना साइकिल साथी ही उहदे फादर साहब जा रहे यात्रा के, मूहरे मूहरे जाते हैं, डटे पे। बस साडा घरों तुरन का टारगेट ही 3 बजे का, पर अद्धा क घंटा लेट हो गए। तो लैना है बेंत नूं जिला फतेहगढ़ साहब चुन्नी नेड़े पिंड आ मुड़े दा पत्तों। तो पहुँच गया उत्थे, तो पुआद दे झाके पैन लग पे सवक्ते सवक्ते। नगौरी बोलदां दे पट्ठे लियाउंदे किसान, साढ़े माझे च नहीं लभदे हुणे बोलद, वलैती आ गए सारे। बस ਸਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕੀਦਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਮਾਕੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ऋषिकेश टप लिया, तो टाइम हो गया 3:30। अगे हर बार आप ऋषिकेश रुकते हैं, एरका साडा प्लैन है श्रीनगर पहुँचने का। 2 बार आप अगे लगातार आए हैं तो ऋषिकेश रुकते रहे। एरका गया भी श्रीनगर रह के बहने थोड़ी साफ सड़क आई। हाँ, पहला नालों जड़िया सड़क वो सोहनिया हो गई खोलिया वा। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਵੀ ਡਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਮਕਣ ਡਈਆਂ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਗਿਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਪੱਥਰ ਗਿਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਆਪੇ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜੇ ਆ ਪੱਥਰ। बाकी वीरों, जिन्ना भी हेमकुंड साहब की यात्रा पर आना हो, थोड़ा मन जहा करड़ा करके आया करो, क्योंकि रिस्की तो हुंदा वा थोड़ा सफ़र। अजे कि पहला नालों बहुत फर्क पै गया, जिहड़ा सरकारां ने आ पत्थर तोड़ तोड़ के पहाड़ वढ़ वढ़ के सड़कां ते डबल करतियां, बारे रिस्की भी आ क्योंकि पैर काढ़े चाढ़े पत्थरां दे पहाड़ां दे, ते थोड़ा अपने ड्राइविंग भी थोड़ा सेफ्टी वेख के हुलड़बाजी तो परहेज करना, तो थोड़ा अपना स्पीड स्पूड कंट्रोल च रखनी आ। इधर तो आम ही सड़कों पर पत्थर डिगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि किन्निया भी सोहनिया सड़कें बनाती हैं पर पत्थर कितने ना कि उपरों डिगते रहेंगे। तो रिस्पैक्ट करनी है कुदरत की, पहाड़ों की, कुदरत नूं माणो तो वो नज़ारे लो। तो हुण आपां पहुँच गए रुद्रप्रयाग, इत्थे दोहां नदियों का मेल हुंदा। आ जड़ी मिट्टी जी रंगा दे हरिया पानी, एक आ भागीरथी, एक आ अलकनंदा, तो इतों मिल के बन जाती गंगा। किसी वेले जो इहदा घरों निकले यकीन नहीं हुंदा कि अपना ही देश आ, इन्नियां इन्नियां सोहणियां थावां पईआं अपने देश दे विच। बस बंदा घूमण वाला चाहीदा, फिर ही पता लगता कि इदां दे व्यू कल इटली दे विच ही नहीं आ, इत्थे भी हैगे आ। ते आ दे करिश्मा कुदरत दा, एक पासे हरिया पानी, एक पासे रली मिली मिट्टी जी। जो कि जाओ पहाड़ा जहाँ तुम अक्सर ही वेखोगे पहाड़ा की अग लाई होंगी, थोड़े दिन पहला आप डलौ जी गए हैं, उत्थे भी बड़ी अग लाई ही। तो पर क्या बस पंजाब में जाता है, तो चलो गलत गल है कहीं भी अग लाई, पर बदनाम पंजाब में किया जाता। ये पिछले वजह यह है कि सारे राज्यों सरदारी वाला राज है पंजाब, तो इस करके वध रिश्ते आते हैं, होर तो कोई रीजन नहीं। 2 साल बाद आए सड़कों का लैवल हम टॉप क्लास आ, और ढोरा ला के तो मिस्त्री माड़ा लगा हों, मैं तो चलिया ने विह नहीं सुखना लाने। बाबा कहें कल ही आ गया। हाँ, उपराला करके इतनी खेती की जाती है। ये वो खेती है जी आप किताबों पढ़ते होंगे पौड़ी नुमा खेती, तो पहाड़ा च सर्वाइव करना इन्ना सौखा नहीं है। वेखन तो सोहने लगते हैं, इतों के लोगों की सेहत भी चंगी होंगी है। ਤੇ ਵੀਰ ਕੋ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜੋ ਪੀਪੇ ਡੱਬੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਏ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪੱਤੋਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੰਮ,
ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ 6 ਰਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਦ 2 ਰਾਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ।